आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप अपने मोबाइल के जरिए दूसरे के मोबाइल में से अपनी फेसबुक की आईडी लॉग आउट कैसे कर सकते हैं। कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि हम अपनी फेसबुक की आईडी दूसरे मोबाइल में लॉग इन कर लेते हैं, लेकिन जल्दबाजी में हम उसके मोबाइल में से अपनी फेसबुक की आईडी लॉग आउट करना भूल जाते हैं। तो इस काम को करने के लिए आपकी फेसबुक की आईडी आपके मोबाइल में लॉग इन होनी चाहिए। यहाँ पर आपको कर लेना है फेसबुक एप्लीकेशन ओपन। इसके बाद आपको यहाँ पे 3 लाइन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेटिंग एज प्राइवेसी यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको सी ऑल पर क्लिक कर देना है। आपकी फेसबुक की आईडी जिस जिस मोबाइल में लॉगिन होगी वो सब मोबाइल के नेम आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आपको जिस भी मोबाइल में से अपनी फेसबुक की आईडी लॉग आउट करनी हो आपको उस मोबाइल के नेम के सामने यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको लॉग आउट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी फेसबुक की आईडी उसके मोबाइल में से लॉग आउट हो जाएगी। सेम इसी तरह से आप अपने मोबाइल से अपनी इंस्टाग्राम आईडी दूसरे मोबाइल से लॉग आउट कर सकते हैं। तो इस बारे में जानने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो अगर आपको इन सभी मोबाइल में से अपनी फेसबुक की आईडी एक साथ लॉग आउट करनी हो तो आपको यहाँ पे सबसे नीचे की तरफ आ जाना है। आपको लॉग आउट ऑल सीजन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे लॉग आउट पर क्लिक करना है। तो आपके फेसबुक की आईडी अब सभी मोबाइल में से लॉग आउट हो चुकी है। अब आपके फेसबुक की आईडी केवल आपके मोबाइल में लॉगिन है, बाकी सभी मोबाइल से आपके फेसबुक की आईडी लॉग आउट हो चुकी है। तो अगर किसी बंदे को आपका फेसबुक का पासवर्ड पता है तो वो आपकी फेसबुक की आईडी को दोबारा से लॉगिन कर सकते हैं। तो आप अपना फेसबुक का पासवर्ड चेंज कर ले, इसके बाद आपकी फेसबुक की आईडी को वो लॉगिन नहीं कर सकता। फेसबुक का पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे चेंज पासवर्ड पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना फेसबुक का करंट पासवर्ड एंटर करना है। इसके बाद आप यहाँ पे अपना फेसबुक का न्यू पासवर्ड एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको न्यू पासवर्ड यहाँ पे री एंटर करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव चेंज पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इसके बाद आपकी फेसबुक की आईडी को लॉगिन करने की कोशिश करोगे तो लॉगिन होगा ही नहीं, क्योंकि आपने अपना फेसबुक का पासवर्ड चेंज कर दिया। तो इस प्रकार से आप अपने मोबाइल से दूसरे के मोबाइल में से अपनी फेसबुक की आईडी को लॉग आउट कर सकती है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना।